आढ़यो अभिजन्मानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्ध
सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तवमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी की है अथवा राजसी अथवा तामसी। त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रेणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धां योयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाशान्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप यन्ते ये तपोजनः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं